बोट नेक बनाने के लिए हमने ब्लाउज की लंबाई ले ली है 15, शोल्डर हमने लिया है 7, स्लीव्स का भाग लिया हमने 6, ये हमने साइड का ले लिया है 9.5 इंच। अभी हम इसको 1.5 इंच जितना ड्रॉ कर लेते हैं और बोट नेक की गोलाई लेनी है हमें। इस हमने लिए 4, इस तरह हम इसको गोलाई दे देते हैं और जितना हमें डीप करना है उतना हम कर सकते हैं। हमने 7 लिया है और नीचे की भी 4 ली और इस तरह से हमने इसको राउंड शेप दे दिया है। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ, देखना हमने इसको इस तरह से कटिंग कर लिया है। अभी हम गले का शेप कट कर लेते हैं। और जहाँ हमें डिज़ाइन बनानी है राउंड शेप की वो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अभी हम इसकी साइज़ के लिए कैनवास पेपर लेंगे, इस तरह से हम पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारे गले की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाए। तो हमने इसको पिन से फिट कर दिया है ताकि हिले नहीं और दोनों साइड से हमारा गला फिटिंग से आए, देखिए इस तरह से। और हम इसको कटिंग कर लेते हैं। कट करने के बाद हमें अंदर की साइड का शेप देना है, इस तरह से हम शेप देंगे। यह हमारा शेप बन गया है। अब मैं इसको प्रेस की सहायता से इसके ऊपर लगाऊंगी, देखिए इस तरह से हमने प्रेस किया है। अभी हम इसके ऊपर वाला कपड़ा लेंगे जो अस्तर के ऊपर लगाने वाला है ब्लाउज़ का, वो इस तरह से कट कर लिया है मैंने रफली। अब मैं इसके ऊपर राउंड शेप में जिस तरह से गला कटिंग किया है उसके ऊपर सिलाई करके जो जो राउंड शेप है उसको हम कट लगा देते हैं। देखिए इस तरह से मैंने कट लगा दिया है ताकि हम मोड़ेंगे तो हमारा गला राउंड शेप में फिनिशिंग में आएगा। और जहाँ से ये कोना है वहाँ से हम पेंसिल या तिकोनी कोई भी चीज़ से हम इसको सीधा कर सकते हैं। अब मैं इसको सीधा करके इस तरह से इसके ऊपर प्रेस करूँगी। प्रेस करने से हमारा गला एकदम फिनिशिंग से दिखता है, बिल्कुल भी सल नहीं दिखते हैं। देखिए हमारा बोट नेक गला बनके रेडी हो गया, बहुत ही आसानी से बना है। देखिए इस तरह से हमारा गला बनके रेडी हो गया, हम इसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं और साइड से हम इसकी सिलाई कर देते हैं फिटिंग के लिए। मैंने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई की है, इस तरह से दोनों टक्स लगा देंगे दोनों साइड के। और हम नीचे के लिए पट्टी जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा बोट नेक गला बन के रेडी हो गया है, बहुत ही फिनिशिंग से बहुत ही अच्छा बना है और इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।